सानू कोई शौक थोड़ा वा कि असी साल साल भर धरने लाई जाने हैं। कदे असी किसानी दे लागे बह गए, कदे असी गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी दे लागे बह गए, ते कदे इदां दे टुचा जिहा नचार एक सिंगर दे मगर लागे बह जाइए। होगी उसकी गिरफ्तारी का की मतलब है? गिरफ्तारी ना हो परचा कट्टना, होर परचा असी देखने थोड़ा कटना, शीशे से चढ़ा के घरे नहीं लाना असी। इहदा आउण वाले समय जिस तरह बादल नूं नतीजा भुगतना पिया, कैप्टन साहब नूं भुगतना पवेगा। ये लोग हैगे अवेसले जिले लोग, ढीठ लोग, सदाचारी अत्याचारी, बलात्कारिए, रेता चोर, समैकीए, ये सारे भरे पए सिस्टम दे विच। मुराद शाह दे डेरे दे हैगे आ ना पैरोकार, वो पुलिस मुलाजम भी है विच। जे अज FIR दर्ज नहीं ना करती, प्रशासन नहीं कर रहा, वो मदद कर रहा है, तो अज FIR दर्ज करनी भाई, इस तरह गिरफ्तारी भी हो जाऊगी। कई बंदे धोले चिट्टे होना भी सियाने नहीं होंदे, जिदा बादल हाले तक नहीं होया, कैप्टन हाले तक नहीं होया, सियाने थोड़ा वा। मेरी 24 घंटे 36 घंटे गुरदास मान इत्थे दा ही वासी है, उन्हूं चुक के लियाणगे। वोट कल्ली डेरेदारां दी नहीं, सिख कौम दी भी वोट बहुत है। पर जे प्रशासन सानू फोटो कापी दे दे रिपोर्ट दी, ते असीं घरां नूं चल जांगे। साइन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं रवि गिल। जिमें सब जानते हैं कि गुरदास मान हुनालो एक वीडियो जारी करन दे उत्ते सिख भाईचारे दे विच काफ़ी रोस सीगा, उस चीज़ नूं लैके उन्हां वल्लों दरखास्त भी दित्ती गई सी, परचा दर्ज नहीं होया। नकोदर दे विच भी प्रदर्शन होया, उसके बाद जलंधर दा नैशनल हाईवे बंद कर दिता गया सिख भाईचारे वल्लों। तुसीं देख सकते हो लाइव तस्वीर, जलंधर तो दिल्ली हाईवे बंद कर दिता गया है। इन्हां दी इक्को ही मंग सी कि गुरदास मान हुणा दे उत्ते परचा दर्ज कर दिता जाए, तो उन्हां दी गिरफ्तारी की जाए। परचा दर्ज तो हो चुका है, एक घंटे का समा दिता गया कि इन्हां नूं FIR की कापी जो कि है मिल जाएगी। तुसीं देख सकते हो कि पुलिस प्रशासन भी इत्थे पहुँच चुका है, सो उन्हां दी गल्लबात हो रही है। सो गड्डियां तुसीं देख सकते हो कि लंबी कतारां दे विच जो जाम लग चुका है, पुलिस प्रशासन भी मौके दे उत्ते पहुँच चुका है। उन्हां दा कहना है कि परचा दर्ज जो कर दिता गया है, बाकियां दे नाल गल्लबात करदे हैं, पहले कंप्लेंट दिती गई सी, वीडियो भी दिती गई SSP साहब नूं, ते परचा नहीं दर्ज होया सीगा जिस चीज़ नूं लैके हुण नैशनल हाईवे बंद कर दिता गया। अजे बंद नहीं कर दिता गया जी, अजे सानूं हुण मगरों फोन आया वा कि FIR की नकल लैके कोई मुलाजम आ रहा इत्थे, हुण असीं थोड़ा चिर समा वेट करते हैं, जे तो नकल लैके FIR की आ जाते हैं तो फिर तो नहीं रोड रोकते, जे FIR की नकल 10-20 मिनटों तक नहीं लिया तो फिर रोड रोकेंगे जी। जे कल्ली FIR दर्ज होंगी है उसके बाद गिरफ्तारी नहीं होंगी? जे अगला काम जिहड़ा वा वह भी बिल्कुल जारी रहेगा, गिरफ्तारी भी होगी। जे अज FIR दर्ज नहीं ना करती, प्रशासन नहीं कर रहा, वो मदद कर रहा है, तो अज FIR दर्ज करनी भाई, इस तरह गिरफ्तारी भी हो जाऊगी। किमें देखते हो कि तुसी इन्ना समा हो गया, 24 घंटे तो वध दा समा हो गया कि परचा दर्ज करन नूं लैके? अजे साडी जिहड़ी 11 मैंबरी कमेटी आ, उन्होंने जो फैसला करूगी असी उहदे मुताबिक अगे फैसला लवांगे। नहीं मैं कह रहा 11 मैंबरी कमेटी जो फैसला साडी दा असी उहदे मुताबिक चलांगे, साडी सारी संगत खड़ी होगी है, जो उन्हां दा फैसला होगा सिर मत्थे प्रवान करांगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किमें देखदे हो कि इन्ना समा लग गया FIR दर्ज करन नूं? सीनियर पुलिस मुलाजम इत्थे पहुंचे ने, उन्हां दा कहना है कि FIR दर्ज हो चुकी है। ये हुण जिहड़ी हुण कीती आ इह 12-1 बजे तक उत्थे हो सकदा सी नकोदर, पर इन्हां दा मैं तुहानूं पहलां भी जिद्दां दस्सिया सी भी इन्हां दे जिहड़े मुराद शाह दे डेरे दे हैगे आ ना पैरोकार, उह पुलिस मुलाजम भी है विच, इहदे सिस्टम दे विच SSP DSP अहुदेदार बंदे जिहड़े ने उह इहनूं डेरे दे संचालक दे रूप च विचरदे आ। मतलब विशा इह आ भी इह लोक गुरदास मान नूं डिफेंड करदे आ, उहनूं उहदी सपोर्ट करदे आ, सपोर्ट कर खासकर महिकमा रहा सी, ते बाकी जे गल डेरे नूं रोकण दी जां रोड रोकण दी, सानूं कोई शौक थोड़ा वा कि असी साल साल भर धरने लाई जाने आ, कदे असी किसानी दे लाके बह गए, कदे असी गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी दे लाके बह गए, ते कदे इदां दे टुचा जिहा नचार इक सिंगर दे मगर लाके बह जाइए। असी भी कम्मां कारां वाले बिजी हाँ, प्रशासन का फर्ज बनता सी लोगों नूं इन्नी असुविधा ना हुंदी, भी उस वेले उत्ते कार्रवाई पा देंदे, उदे ही उहदा जिहड़ा परचा सी उह कट देंदे, ते इत्थे तक ना असी उहदे नाल प्रशासन नूं तकलीफ हुंदी। परचा ले FIR लेट होण दा कारण कहा जा रहा कि पोलीटिकली प्रैशर सीगा, इहनूं सियासी दे नाल सियासत दे नाल भी जोड़िया जा रहा सीगा? सियासत नाल हले जुड़ना सी, जुड़िया नहीं सी सियासत नाल, नहीं सी हले हले तो प्रशासन का, मैं तुहानूं दस्सिया हले तां प्रशासन ही अपनी गेम खेल रहा सी, प्रशासन ने सानूं वादे कर करके मुकर रहा सी, इह गेम सारी प्रशासन दी सी,
हम प्रशासन को पता लग गया कि गल साडे बसों बाहर हो गई आ, क्योंकि इतने सिख जथेबंदियां नहीं कलियां ते किसान जथेबंदियां भी खड़ियां, असं भी भारतीय किसान जी उन्होंने कादियां बुलाव हाँ, असं भी इतने अपनी टीम पूरी लैके आए हुए हैं, कोई इदा की गलबात नहीं, जा इतों ही आई अद्धे किलोमीटर से साडा पहला धरना लगा सी, इतने हुण भी लग सकता दोबारा, कोई वड्डी गल नहीं है, पर जे प्रशासन सानू फोटोकापी दे दे रिपोर्ट की तो असं घर चल जाएंगे, पर यह नहीं भी फोटोकापी देती रिपोर्ट की रिपोर्ट होगी उस बाद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उत्ते कार्रवाई बनती कार्रवाई भी नालों नाल होनी चाहिए आ, अगर जे ये प्रशासन डिले करेगा फिर ये तो भी वड्डे लैवल का काम असं करांगे। एफ आई आर कर दी जाती है जिवें हुण सीनियर अफसर ने कहा कि परचा दर्ज हो चुका है, एक घंटे च कापी मिल जाएगी, फिर गिरफ्तार लैके भी होगा धरना प्रदर्शन करवा के हटा, गिरफ्तारी होगी वो गिरफ्तारी का की मतलब है, गिरफ्तारी ना हो परचा कट्ट होर परचा अभी देखने थोड़ा कटना शीशे से चढ़ा के घरें नहीं लाना अभी परचे साढ़े घर इतने प्रमाण पत्र बहुत लगे हैं लटकते कंधा नाल लोग वेखते हैं, ये चीज़ा जड़िया ने प्रशासन भी किसी ना किसी हद तक डेरेवादा के हाथों की कठपुतली हुई आ, प्रशासन मैं थोड़ा जिदा दस चुका भी जोड़ा इमराद शाह का डेरा आ लाडी शाह का डेरा ये व्डे व्डे अफसर जोड़े ने डेरे के संचालक ने कमेटी मैंबर ने इस करके गुरदास मान की सपोर्ट जी हो रही थी। अक्सर देखा जाता है जो पंजाब दे विच चोणां नज़दीक आ जांदियां ने किसी ना किसी धर्म के उत्ते इहो जी टिप्पणी हो जाती है जिहदे नाल पंजाब का माहौल खराब हुंदा है, असल विच जिहड़ा ना गुरदास मान का कई बार ये सोचण ते लगता है कि जिहड़ा गुरदास मान का बयान सी उह सियासी सीगा, उहदा कारण कि उस वेले ऐसे ही रोड के उत्ते किसानां दा धरना चलता सी, मैनू यह लगता सी भी साडी गैदरिंग वंडण दे लई इन्हां लोकां ने असीं मैं तो स्टेज तो भी यह गल कही सी, हो सकदा साडे धरने नूं अफेक्ट देण दे लई ही यह गुरदास मान की जिहड़ी कार्रवाई है जिहड़ा बयान उहदा होया, पर दूजे पासे दिमाग इस पासे चल जांदा भी उह ते पहले ही सानूं बत्तियां बना बना दिंदा रहा, पंजाबी भाषा नूं मां मासी दे दर्जे दे विच उलझा रहा, वो विवादों से घिर गया, वैसे भी कहिंदे कई बार कई कोई बिरला ही हुंदा जिहड़ा जिहड़े धौले चिट्टे हो जांदे ते उहदियां सियाणियां गल्लां हुंदियां, कई बंदे धौले चिट्टे होना भी सियाणे नहीं हुंदे, जिदा बादल हाले तक नहीं होया कैप्टन हाले तक नहीं होया सियाणे थोड़ो आ, जे आप 20 तरीक के धरने का असीं किन्ने दिन पहलां अल्टीमेटम दित्ता सी, कार्रवाई नहीं की, बाद च पंजां दिनां च करती, जो पहले ही कर दिंदा लोगों को तो ना सुविधा होंगी, ये सारा कुछ ये लोग हैगे अवेसले जिले लोग ढीठ लोग सदाचारी अत्याचारी बलात्कारीए रेता चोर समैकीए ये सारे भरे पे सिस्टम के कोड, जिदा कोड नहीं कह लिए साडे समाज नूं इह कोड है बिचे प्रशासन लीडर, ये कोड का जिहड़ा इलाज आ वह बड़ी शिद्दत दे नाल लोक लगे आ करने नूं, चाहे वह किसानी धरने जरिए दे होवे चाहे किसी होर तरीके नाल होवे, अज दी जिहड़ी आ मानदा जे असीं कहिंदे आ प्रशासन सानूं परचा दे दिंदा सिख संगतां दी जित है, पर जिन्ना चिर उह माफ़ी नहीं मंगदा जां उहनूं सज़ा नहीं हुंदी उन्ना चिर साडी हाले उहदे नाल कोई सुलह सफाई वाली गल नहीं है। एफ आई आर दे बाद गिरफ्तारी का समा दोगे तुसीं किन्ने क टाइम दे विच गिरफ्तारी होवे की पता, खरे असीं धरना पक्का ला के बह जाणा भी एफ आई आर अरे हो गई है कट हो गई है परचा कट हो गया तुहानूं फड़ो हुण, ये भी हो सकता तुहानूं फड़ाउण दे लई भी असीं इत्थे बह जाईए जोर लाईए, वो तो सानूं रास्ते च रोकदे सी प्रतापरे, उन्होंने सानूं रोक दिता सी भी इत्थे खड़ जाओ, पर असीं ये कहा सी भी हो सकता शायद नौजवानी नूं डिले कर ले घरां नूं तुर जाणगे बंदे अक के, इस गल दे लई ओह लोक कार्रवाई पा रहे आ, तां करके असीं प्रधान साहब उन्होंने अमरीक सिंह उन्होंने कहा सी जहेदार जी नूं भई आपां रोड दे उत्ते चल के खड़दे आ, उस तों बाद फिर उत्ते जे तो परचा लै के आउंदे आ सानूं दे दिंदे आ तां असीं घर नूं चल जावांगे, जे परचा नहीं देंगे तो असीं रोड बंद कर देंगे। किवें देखदे हो कि रिटन दे विच कंप्लेंट भी दिती गई है, जिस वीडियो दे विच उन्होंने निरादर किया जो भी शब्द बोले सीगे वो वीडियो क्लिप भी दे दिती गई है, परचा दर्ज नहीं पुलिस प्रशासन कर रही, इन्होंने सानू 24 घंटे का टाइम दिता है, जो नकोदर तो 11 मैंबरी कमेटी है वह भी इत्थे पहुँच चुकी है, इन्होंने 24 घंटे का टाइम दिता सीगा ते उस तो बाद परचा हुण कहिंदे असीं 15-20 मिनट च तुहानूं दे रहे हां, जे तां परचा दे देणगे ये धरना खोल देंगे फिर असीं इन्हां नूं टाइम देंगे उन्हों गिरफ़्तार करन दा, किते ये ना सोचण भी परचा दर्ज हो गया तो असीं वेसले हो गए, नहीं एक टाइम देंगे मे बी 24 घंटे 36 घंटे, गुरदास मान इत्थे दा ही वासी है उन्हों चुक के लियाणगे, जे सिख मुंडियां नूं फड़ना आंदा तो जदों मर्जी घरों चुक के लै जांदे आ, तो इदां दे कुत्ते भी फड़ने चाहिए आ, जे नहीं फड़नगे फिर सारे हाईवे जाम होणगे सारे शहर जाम होणगे ते बंद पई लगदा है कि इन्ना समा पुलिस प्रशासन क्यों लगा रही है ये जी, वैसे ही कानून सिखां लई डबल आ। सत श्री अकाल जी देखते हो कि इन्ना समा क्यों पुलिस प्रशासन वालों किया जा रहा है कि जब वो वीडियो भी नाल दे दी गई रिटन दे विच कंप्लेंट भी दे दी, 3 दिन हो गए धरना प्रदर्शन करदे आ, परचा क्यों नहीं दर्ज हो रहा? असल च जिहड़ा प्रशासन है ये समझदा कि जो
डेरादार है उन्होंने ही वोटा ने कैप्टन सरकार भी जो चीज़ समझ लेनी चाहिए कि वोट कल्ली डेरेदारा नहीं सिख कौम की भी वोट बहुत है। तो अज जो ये सानू खज्जल खुआरी कर रहे हैं सिर्फ वोटा के कारण करके ही कर रहे हैं। तो यदा आने वाले समय जिस तरह बादल नू नतीजा भुगतना पाया कैप्टन साहब नू भुगतना पवेगा। जे हुण जिवें सीनियर अफसर इत्थे पहुँच चुके उन्हां दा कहना है कि एक घंटे दे विच एफ आई आर की कापी मिल जाती है तुसीं नैशनल हाईवे खोल दिओ। जदों मिल जाएगी उदों खोल दिता जाएगा क्योंकि इन्होंने परसों का भी विश्वास दवाया कि तुहानू शाम तक जिहड़ी एफ आर आई की कापी दे दी जाएगी। उस तों बाद इन्होंने साडे नाल हासो ही नहीं गल्लां करके कदी टाल मटोल करके सानू उत्थों भी भेज दिता। फिर मजबूरी बस हो गया ये जिहड़ा धरना लाया जदों कापी मिल जाएगी उदों धरना शांत में चुक दिता जाएगा। किस धारावां दे तहत तुसीं चाहुंदे हो कि परचा दर्ज होवे? असीं धार्मिक भावना नूं ठेस पहुँचाउण लई जिस तरह 295 ए आ ये उहदे ते लगणी चाहीदी है ते सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जे हुण परचा दर्ज कर दिता जांदा है उहदे बाद गिरफ्तारी नूं लै के भी किया जाएगा किन्ना समां दिता जाएगा पुलिस प्रशासन नूं? उह आउण वाला समां जे गिरफ्तारी नहीं करदी फिर जे अज धरना लग सकदा बाद च वी लग जाएगा। जे गिरफ्तारी नहीं हुंदी दुबारा धरना लग सकदा है। जलंधर तों कैमरामैन साहिल दे नाल रवि गिल दी रिपोर्ट। फगवाड़ा दे विच आशू दी हट्टी दा खुल्ला चैलेंज जिथों तुहानूं मिलणगे शहर विच सब तों सस्ते रेट ते सूट लहंगे साड़ियां ते प्लाजो। आशू दी हट्टी दा एक ही वादा तुहानूं मिलणगे वधिया क्वालिटी दे कपड़े पर रेट नहीं होवेगा ज्यादा। एक बार विजिट जरूर करो आशू दी हट्टी ऑपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा।